वेलकम बैक डियर स्टूडेंट इन माय न्यू वीडियो। टुडे वी टॉक अबाउट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, हमने लास्ट वीडियो में ये समझा था कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो फोर पार्ट से मिलकर बना है। एक है टेस्टिस, सेकेंड सेक्स एसेसरी डक्ट, थर्ड पेनिस एंड फोर्थ सेक्स एसेसरी ग्लैंड्स। ये हमने चार टॉपिक कल मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने समझा, जिसमें से टेस्टिस को हमने डिटेल में समझा, टेस्टिस की एक्सटर्नल इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है। आज हम स्टार्ट करेंगे सेक्स एसेसरी डक्ट। सेक्स एसेसरी डक्ट क्या है और उनका क्या फंक्शन है, उनका नेटवर्क मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में किस टाइप से होता है। तो स्टार्ट करते हैं सेक्स एसेसरी डक्ट। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सेक्स एसेसरी जो डक्ट होती है वो फोर टाइप की होती है। एक होता है फर्स्ट रेटेटेस्टिस, सेकेंड बासा इफ्रेंसिया, थर्ड एपिडिडाइमिस और फोर्थ वास डिफरेंस। ये चार डक्ट मिलकर के सेक्स एसेसरी डक्ट का फॉर्मेशन करती है। इन डक्ट को मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के इस डायग्राम में समझते हैं। ये टेस्टिस है और इस टेस्टिस की लार्ज स्ट्रक्चर मैंने यहां बनाई है। लार्ज स्ट्रक्चर में आपने देखा है टेस्टिस के अंदर टेस्टिकुलर लोब्यूल होते हैं और टेस्टिकुलर लोब्यूल में हाईली कॉइल्ड सेमिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं। सेमिफेरस ट्यूब्यूल्स जब नैरो कॉइल्ड ट्यूब्यूल में बदल जाती हैं तो नैरो ट्यूब्यूल निकल करके टेस्टिस की अपर सरफेस पर पहुंचती है और अपर सरफेस पर पहुंचकर स्मॉल कॉइल ट्यूब्यूल्स का फॉर्मेशन करती है। इस स्माइल कॉइल ट्यूब्यूल का जब फॉर्मेशन करती है तो उसको हम बोलते हैं रेटेटेस्टिस। रेटेटेस्टिस कब बनेगी? जब सेमिफेरस ट्यूब्यूल्स इस लोब्यूल से बाहर नैरो होकर के और टेस्टिस की अपर सरफेस पर पहुंचती है तो वहां पर स्मॉल कॉइल्ड नेटवर्क बनाता है। उस स्मॉल कॉइल्ड नेटवर्क को बोलते हैं रेटेटेस्टिस। रेटेटेस्टिस देन ओपन्स इन ए डक्ट नाउन इज बासा इफ्रेंसिया। तो रेटेटेस्टिस जो है वो किस में खुलती है? बासा इफ्रेंसिया में खुलती है। बासा इफ्रेंसिया एंड देन बासा इफ्रेंसिया ओपन्स इन एपिडिडाइमिस। बासा इफ्रेंसिया किस में खुलेगी? एपिडिडाइमिस में खुलती है। और एपिडिडाइमिस जो है उसके तीन पार्ट होते हैं जो हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। एपिडिडाइमिस जो है फाइनली ओपन इन बासा डिफरेंस। एपिडिडाइमिस अंत में किस में खुल जाती है? बासा डिफरेंस में खुलती है। और बासा डिफरेंस फाइनली बासा डिफरेंस कहां पर जाकर के मिलती है? बासा डिफरेंस से एक सेमिनल वेसाइकल से एक डक्ट आती है जिसको बोलते हैं इजेक्यूलेटरी डक्ट। तो सेमी जो बासा डिफरेंस है, बासा डिफरेंस इस सेमिनल वेसाइकल की डक्ट के साथ में जुड़ता है और जुड़ करके यूरिथ्रा डक्ट के अंदर जुड़ जाता है। तो ये बासा डिफरेंस जो है
वो इजेकुलेटरी डक्ट के थ्रू यूरेटर के अंदर ये यूरिथ्रा इस यूरिथ्रा डक्ट के अंदर जुड़ जाते हैं और यूरिथ्रा ओपन्स थ्रू ग्लांस पेनिस इन यूरिथ्रा पोर और यूरिथ्रल मीटस। तो ये जैसे ही यूरिथ्रा है वो ग्लांस इस पेनिस के थ्रू कहाँ खुल जाते हैं, एक एक्सटर्नल पोर होता है जिसको बोलते हैं यूरिथ्रा पोर। तो ये सभी डक्ट होती हैं जिनका नेटवर्क एक दूसरे से जुड़ती है। तो सबसे पहले हम इस नेटवर्क का, अगर क्वेश्चन आता है तो नेटवर्क का क्वेश्चन ये आता है कि जो सेक्स एसेसरी डक्ट है उस सेक्स एसेसरी डक्ट का असेंडिंग ऑर्डर क्या है, एक सीक्वेंस ऑर्डर क्या है। तो सीक्वेंस ऑर्डर आपको समझना है कि सबसे पहले रेटेड टेस्टिस का फॉर्मेशन हुआ, रेटेड टेस्टिस किसमें खुल गया, वासा इफरेंसिया में खुला, वासा इफरेंसिया किस में खुल गया, एपिडिडाइमिस में खुला, और एपिडिडाइमिस फाइनली किस में खुल गया, वासा डिफरेंस में खुल गया, और वासा डिफरेंस इजेकुलेटरी डक्ट के थ्रू किस में खुल गया, इस यूरिथ्रा में खुल गया, और यूरिथ्रा है वो ओपन हो जाता है थ्रू यूरिथ्रल पोर आउटसाइड ऑफ द बॉडी। अब इस एसेसरी डक्ट के वर्क क्या है, इसका वर्क जो है, इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन ये होता है कि स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस टू आउटसाइड ऑफ बॉडी थ्रो पेनिस पेनिस के थ्रू स्पर्म को बॉडी के आउटसाइड में ट्रांसपोर्ट करना और स्पर्म को स्टोर करने का फंक्शन जो है वो इन सभी डक्ट का फंक्शन है। ओके, अब हम इन सभी डक्ट के स्पेशल फीचर्स क्या-क्या हैं वो सभी फीचर्स हम समझते हैं। अभी तो हमने इन सभी डक्ट का एक ऑर्डर देखा है कि किस ऑर्डर के अंदर टेस्टिस के अंदर पाए जाते हैं। तो वो ऑर्डर हमने समझा कि सबसे पहले सेमिनिफेरस ट्यूबुल से किसका फॉर्मेशन हुआ, स्मॉल कॉइल्ड नेटवर्क ट्यूबुल्स का फॉर्मेशन हुआ जिसको बोलेंगे रेटेड टेस्टिस किसमें खुलेगा, वासा इफरेंसिया में खुलेगा, और वासा इफरेंसिया किसमें खुलेगा, एपिडिडाइमिस में खुलेगा, और एपिडिडाइमिस किसमें खुलेगा, वासा डिफरेंस में खुलेगा, और वासा डिफरेंस जो है वो इजेकुलेटरी डक्ट के थ्रू यूरेथ्रा में खुलेगा, और यूरेथ्रा जो है वो यूरेथ्रा पोर के द्वारा आउटसाइड ऑफ बॉडी ओपनिंग हो जाती है। तो ये पूरा नेटवर्क इस असेसरी डक्ट का है। अब सबसे पहले हम रेटेड टेस्टिस को समझ लिया कि रेटेड टेस्टिस क्या है। रेटेड टेस्टिस एक ओरिजिनेट फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल एंड स्मॉल कॉइल्ड नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स लोकेटेड ऑन अपर सरफेस ऑफ टेस्टिस। तो अपर सरफेस ऑफ टेस्टिस के ऊपर रेटेड टेस्टिस पाया जाता है जो स्मॉल ट्यूब्यूल्स का एक नेटवर्क होता है। सेकेंड वासा इफरेंसिया इज ए स्मॉल ट्यूब्यूल स्ट्रक्चर, इट ओपन्स इन एपिडिडाइमिस। तो ये वासा इफरेंसिया एक स्मॉल डक्ट होती है जो किसमें खुल जाती है, एपिडिडाइमिस में खुल जाती है। अब हम बात करते हैं एपिडिडाइमिस की, एपिडिडाइमिस के स्पेशल कैरेक्टर क्या हैं और ये कितने टाइप का होता है और इसका वर्क क्या होता है। देखिए एपिडिडाइमिस हाईली कोइल्ड एंड कोमा शेप्ड स्ट्रक्चर होती है। कोमा शेप्ड स्ट्रक्चर है, कैसी है, हाईली कोइल्ड है और कोमा शेप्ड। ठीक है, जो कॉइल्स होते हैं, कॉइल्स आर कनेक्टेड बाई कनेक्टिव टिश्यू से
जुड़े हुए होते हैं। जो ये कॉइल है यहाँ पर, ये हाईली कॉइल्ड होते हैं, तो जो कॉइल बनते हैं वो आपस में जुड़े भी होते हैं। जैसे स्प्रिंग होती है ना, स्प्रिंग एक कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, तो उसकी जो कॉइल है वो आपस में जुड़े हुए होते हैं। ठीक ऐसे ही यहाँ पर कॉइल्स जो है वो आपस में जुड़े हुए होते हैं, और किसके द्वारा जुड़े होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। एपिडिडाइमिस जो है आर डिवाइडेड इन थ्री पार्ट, ये थ्री पार्ट के अंदर डिवाइड होता है। थ्री पार्ट कौन कौन सा होता है वो देखते हैं। इस एपिडिडाइमिस की जो डक्ट है उसका जो वाल होता है, वाल, ये वाल है, जैसे डक्ट है और डक्ट की ये वाल है, ये तो हुई आउटर वाल और ये हुई इनर लेयर या इनर वाल। ठीक है, आउटर वाल है वो किसकी बनी होती है, आउटर वाल मेड अप बाय मसल लेयर, ये मसल लेयर की बनी होती है। लेकिन जो इनर वाल होती है वो स्ट्रेटेड स्ट्रेटेड एपिथीलियम टिश्यू की बनी होती है, एपिथीलियम टिश्यू। ठीक है, तो ये हमने समझा कि एपिडिडाइमिस हाईली कोइल्ड एंड कोमा सेप्ट स्ट्रक्चर होता है। कोइल्स आर कनेक्टेड बाय कनेक्टिव टिश्यू एंड एपिडिडाइमिस की आउटर वॉल ऑफ एपिडिडाइमिस इज मेड अप ऑफ मस्कुलर लेयर एंड इनर वॉल इज स्ट्रेटेड मेड अप ऑफ स्ट्रेटेड एपिथीलियम टिश्यू। एपिडिडाइमिस डिवाइडेड इन थ्री पार्ट, फर्स्ट पार्ट इज के पार्ट एपिडिडाइमिस, सेकेंड पार्ट इज कॉर्पस, कॉर्पस एपिडिडाइमिस, एंड थर्ड पार्ट इज कोडा एपिडिडाइमिस। ठीक है, केपट इज अपर पार्ट, ये अपर पार्ट एंड फर्स्ट पार्ट होता है, लोकेटेड ऑन, लोकेटेड ऑन अपर सरफेस ऑफ, अपर सरफेस ऑफ टेस्टिस, अपर सरफेस ऑफ टेस्टिस। देखिए ये कोडा है, इस कोडा का ये जो पार्ट है फर्स्ट पार्ट है जिसको बोलते हैं केपट, और ये कहां टेस्टिस की अपर सरफेस पर लोकेटेड। ठीक है, यह किससे ओरिजिनेट होता है, केपट पार्ट जो है वो ओरिजिनेट फ्रॉम, ओरिजिनेट फ्रॉम वासा इफरेंसिया, ये वासा इफरेंसिया से क्या होता है, ओरिजिनेट होता है। तो ये बात हमें याद रखनी है कि केपट एपिडिडाइमिस जो है वो फर्स्ट पार्ट होता है और वासा इफरेंसिया से ओरिजिनेट होता है, या वासा इफरेंसिया ओपन इन केपट एपिडिडाइमिस। केपट एपिडिडाइमिस लोकेटेड ऑन अपर सरफेस ऑफ टेस्टिस। नेक्स्ट पार्ट इज कॉर्पस एपिडिडाइमिस, कॉर्पस एपिडिडाइमिस इज मिडल पार्ट, ये कैसा होता है, मध्यम भाग होता है, मिडल पार्ट ऑफ एपिडिडाइमिस, एंड कोडा पार्ट इज लास्ट, लास्ट पार्ट ऑफ एपिडिडाइमिस, ये एपिडिडाइमिस का लास्ट पार्ट होता है एंड ओपन्स इन, ओपन्स इन वासा, वासा डिफरेंस, ये ओपन्स इन वासा डिफरेंस या वास डिफरेंस, तो ये किस में खुलता है, वास डिफरेंस के अंदर खुलता है। अब वास डिफरेंस क्या है, वास डिफरेंस आगे हम देखेंगे, वास डिफरेंस क्या है। तो एपिडिडाइमिस के तीन पार्ट हमने समझे, केपट, कॉर्पस और कोडा। अब इस एपिडिडाइमिस के फंक्शन क्या है, फंक्शन देखिए, एपिडिडाइमिस की फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन ये है कि टेम्परेरली, टेम्परेरली स्टोर्ड ऑफ स्प्रम, टेम्परेरली क्या करता है, ये स्प्रम का स्टोर करता है। आपसे क्वेश्चन ये आ सकता है कि टेम्परेरी स्पर्म का स्टोर कहाँ होता है, तो टेम्परेरी अगर हम बात करें, टेम्परेरी स्पर्म स्टोर वो एरिया होता है एपिडिडाइमिस। नेक्स्ट पार्ट ये है टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन,
न्यूट्रिशन टू स्पर्म, स्पर्म को क्या करवाता है, यह न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। और स्पर्म का मैच्यूरेशन भी कहां होता है, एपिडिडाइमिस में। तो मैच्यूरेट्स स्पर्म्स, मैच्यूरेट्स स्पर्म, स्पर्म का मैच्यूरेशन भी कहां होता है, यह एपिडिडाइमिस में ही होता है। तो ये तीन फंक्शन आपको याद रखने हैं एपिडिडाइमिस के। फर्स्ट टेंपरेरी स्टोरेज ऑफ स्पर्म एंड प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू स्पर्म, एंड थर्ड इज मैच्यूरेट ऑफ स्पर्म या मैच्यूरेशन ऑफ स्पर्म। ठीक है, नेक्स्ट। अब दूसरी जो थर्ड डक्ट है वो हम पढ़ेंगे, वास डिफरेंस। नेक्स्ट डक्ट है वास डिफरेंस, वास डिफरेंस। देखिए वास डिफरेंस जो है वो एक इट इज स्ट्रेट स्टेट ट्यूब, ये एक स्टेट ट्यूब होती है। इसकी जो इनर वॉल होती है, इनर वॉल ऑफ वास डिफरेंस इज मेड अप ऑफ सूडो स्ट्रेटिफाइड, सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू। सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू का बना होता है, और जो आउटर वॉल होती है वो आउटर वॉल मेड ऑफ मस्कुलर लेयर या मसल्स टिश्यू, इसका बना होगा मसल्स टिश्यू का बना होता है। वास डिफरेंस जो है ये क्या करता है, इसका काम जो होता है स्टोर ऑफ स्पर्म, इट स्टोर ऑफ स्पर्म। सो आल्सो नाउन इज डक्टस डिफरेंस, इसको डक्टस डिफरेंस और स्पर्म डक्ट भी कहते हैं। तो ये भी इसका नाम याद रखेंगे आप कि जो वास डिफरेंस है वो वास डिफरेंस क्या करता है, यह स्पर्म को स्टोर करता है, और स्पर्म को स्टोर करने के कारण इस डक्ट को डक्टस डिफरेंस और स्पर्म डक्ट भी कहते हैं। वास डिफरेंस जो है वो किससे कहां से अराइज होती है, इट अराइज फ्रॉम ओडा एपिडिडाइमिस, ओडा एपिडिडाइमिस से ये क्या होती है, इसका ओरिजिन होता है। इट अराइज फ्रॉम ओडा एपिडिडाइमिस। वास डिफरेंस जो है इट रिसीव ए डक्ट फ्रॉम सेमिनल वेसिकल इज नाउन एज इजेकुलेटरी डक्ट, इजेकुलेटरी डक्ट। यूरिन जो वास डिफरेंस है, वास डिफरेंस यूरिनरी ब्लेडर के पीछे की तरफ से एक डक्ट को रिसीव करती है, और डक्ट कहां से, फ्रॉम सेमिनल वेसिकल, सेमिनल वेसिकल से आती है, उस डक्ट को बोलते हैं इजेकुलेटरी डक्ट। एंड वास डिफरेंस ओपन इन, ओपन इन यूरिथ्रा, ओपन इन यूरिथ्रा। तो ये किस में खुल जाता है, फिर यूरिथ्रा में ओपन होता है। ये वास डिफरेंस के स्पेशल कैरेक्टर है, ये एक स्ट्रेट ट्यूब होती है, इसके इनर वॉल जो है वो सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू की बनी होती है, आउटर वॉल जो है वो मसल्स की बनी होती है, इसका वर्क जो है वो स्पर्म को स्टोर करना होता है, ये स्टोर ऑफ स्पर्म, इसलिए इसको हम बोलते हैं डक्टस डिफरेंस और स्पर्म डक्ट। इसका ओरिजिन कहां से होता है, ओरिजिन फ्रॉम कोडा एपिडिडाइमिस, इट रिसीव ए डक्ट बिहाइंड यूरिनरी ब्लैडर फ्रॉम सेमिनल वेसिकल इज नाउन इज इजेकुलेटरी डक्ट एंड ओपन्स इन यूरेथ्रा थ्रू प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड के थ्रू ये किस में खुल जाता है, यूरेथ्रा ट्यूब के अंदर ओपन हो जाता है। ये हमारा डक्ट कंप्लीट। नेक्स्ट देखते हैं यूरेथ्रा कि यूरेथ्रा क्या है, फिर उसके बाद में स्पर्म का ट्रांसपोर्ट देखेंगे। तो देखिए यूरेथ्रा,
यूरिथ्रा। अब यूरिथ्रा है वो किस किस को कैरी करेगा? इट कैरी यूरिन, एक तो यूरिन को करेगा फ्रॉम यूरिनरी ब्लेडर एज वेल एज स्प्रम, स्प्रम को भी कैरी करेगा फ्रॉम वास डेफरेंस, वास डेफरेंस से भी कैरी करता है तो इट कैरी यूरिन फ्रॉम यूरिनरी ब्लेडर एज वेल एज स्प्रम फ्रॉम वास डेफरेंस। तो इसका काम क्या करता है? ये यूरिन को भी कैरी करता है और स्प्रम को भी कैरी करता है थ्रू थ्रू पेनिस, पेनिस के थ्रू। ओके, इट इट इज कैरी या इट इज कॉमन पाथवे, कॉमन पाथवे फॉर, कॉमन पाथवे फॉर यूरिन एंड स्प्रम, सो ऑल्सो नाउन एज, सो ऑल्सो नाउन एज यूरिनोजेनाइटल, यूरिनोजेनाइटल डक्ट। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? यूरिनोजेनाइटल डक्ट कहते हैं। ओके, इट कैरी या इट ए कॉमन ट्रांसपोर्ट पाथवे फॉर यूरिन एंड स्प्रम, सो ऑल्सो नाउन एज यूरिनोजेनाइटल डक्ट। यूरिनोजेनाइटल डक्ट ओपन्स ओपन्स थ्रू पेनिस इन यूरिनोजेनाइटल, यूरिनोजेनाइटल एपरेचर, एपरेचर एंड ऑल्सो नाउन इज यूरिथ्रा पोर एंड ऑल्सो नाउन इज यूरिथ्रा मीटर्स, यूरिथ्रा मीटर्स। तो ये सभी पोर जो है उन पोर के द्वारा, पेनिस के थ्रू इन पोर से क्या करता है? आउट ऑफ आउटसाइड ऑफ द बॉडी ओपन हो जाता है। ठीक है, तो ये यूरिन को और स्प्रम को कैरी करता है, इसलिए इसको बोलते हैं यूरिनोजेनाइटल डक्ट। ये कॉमन पाथवे होता है दोनों का, और ये पेनिस के थ्रू किस में खुल जाते हैं? यूरिनोजेनाइटल एपरेचर में या यूरिथ्रा पोर में या यूरिथ्रा मीटर्स में। ग्लांस पेनिस पर एक पोर होता है, उस पोर को बोलते हैं यूरिथ्रा पोर या यूरिथ्रा मीटर्स या यूरिनोजेनाइटल एपरेचर, इनके थ्रू खुल जाता है। अब हम देखते हैं कि ये सभी हमारी डक्ट्स जो है वो कंप्लीट हुई। अब इन डक्ट से जो एसएससी डक्ट है वो स्प्रम का ट्रांसपोर्ट पाथवे क्या होता है, तो वो ट्रांसपोर्ट पाथवे देखते हैं। देखिए, स्प्रम ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट पाथवे फ्रॉम टेस्टिस टू, टेस्टिस टू यूरिथ्रा पोर, टेस्टिस से यूरिथ्रा पोर का जो स्प्रम ट्रांसपोर्ट पाथवे है वो क्या है? तो देखिए, ट्रांसपोर्ट पाथवे जो है, सबसे पहले हमें पता है कि स्प्रम का फॉर्मेशन कहाँ होता है? टेस्टिस में होता है। टेस्टिस से स्प्रम जो है वो कहाँ ट्रांसपोर्ट होते हैं? रेटेटेस्टिस के अंदर, रेटेटेस्टिस के अंदर ट्रांसपोर्ट होते हैं। रेटेटेस्टिस से ये कहाँ जाते हैं? वासा इफ्रेंसिया में जाते हैं, वासा इफ्रेंसिया में जाते हैं। और वासा इफ्रेंसिया से ये कहाँ जाते हैं? एपिडिडाइमिस में जाते हैं। एपिडिडाइमिस के अंदर यह टेम्परेरी स्टोर होते हैं। एपिडिडाइमिस के बाद ये कहाँ ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं? वास डिफरेंस के अंदर ट्रांसपोर्ट होते हैं और यहाँ पर स्टोर हो जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं डक्टस डिफरेंस और स्प्रम डक्ट। वास डिफरेंस से यह इजेकुलेटरी डक्ट के थ्रू, इजेकुलेटरी डक्ट के थ्रू किस में घुलता है? यूरिथ्रा में घुलता है। और यूरिथ्रा जो है वो पेनिस के थ्रू
और कहाँ खुल जाता है? यूरिथ्रा पोर, यूरिथ्रा पोर के अंदर ओपन हो जाता है। तो ये कंप्लीट ट्रांसपोर्ट पाथवे जो है वो स्पर्म का है, तो इसको आप याद रखेंगे, क्योंकि जो एसेसरी डक्ट है उस एसेसरी डक्ट का आपको सीक्वेंस ऑर्डर पूछा जाता है। तो टेस्टिस से रेटी टेस्टिस, वास डिफरेंस, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस और यूरिथ्रा, ये सभी डक्ट हैं और इन सभी डक्ट को आपको याद रखना है। 1, 2, 3, 4 और 5 और इजेक्यूलेटरी डक्ट, ठीक है। तो इन सभी का ये ऑर्डर आपको याद रखना है, कई बार क्वेश्चन इनसे पूछा जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं पेनिस की, पेनिस क्या है, इसकी स्ट्रक्चर क्या है। पेनिस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का नेक्स्ट पार्ट है, थर्ड पार्ट वो है पेनिस। देखो पेनिस के एक्सटर्नल फीचर्स क्या हैं। पेनिस इज सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल मस्कुलर स्पंजी एंड मेड अप ऑफ इरेक्टाइल टिश्यूज, इरेक्टाइल टिश्यू से बना होता है, सिलेंड्रिकल होता है, मस्कुलर होता है, स्पंजी होता है और मेड अप ऑफ इरेक्टाइल टिश्यू, इरेक्टाइल टिश्यू से बना होता है, ठीक है। जब ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्साइटेशन, सेक्सुअल एक्साइटेशन होता है उस समय क्या होता है, इरेक्टाइल जो टिश्यू होते हैं, इरेक्टाइल टिश्यू फिल्ड विद ब्लड, इसमें ब्लड भर जाता है, इरेक्टाइल टिश्यू जो होता है ना उसमें क्या होता है, ब्लड फिल हो जाता है, भर जाता है, एंड पेनिस बिकेम हार्ड, इरेक्टाइल टिश्यू फिल्ड विद ब्लड एंड पेनिस, एंड पेनिस बिकेम इरेक्ट एंड हार्ड, इरेक्ट पेनिस क्या करेगा, इरेक्ट पेनिस फैसिलेट कॉपुलेशन एंड ट्रांसमिट स्पर्म इन वेजाइना। ओके, तो देखिए पेनिस के अंदर इरेक्टाइल टिश्यू होते हैं, इरेक्टाइल टिश्यू के अंदर जब ब्लड जो है वो भर जाता है तो उस कंडीशन में पेनिस जो है वो इरेक्ट हो जाता है और हार्ड हो जाता है। इरेक्ट हार्ड किसको फैसिलेट करेगा, इरेक्ट हार्ड फैसिलेट टू कॉपुलेशन एंड ट्रांसमिट ऑफ स्पर्म इन वेजाइना। तो वेजाइना के अंदर स्पर्म को ट्रांसमिट करने के लिए यह इरेक्ट हो जाता है और इजीली गोइंग यह स्पर्म जो है उनका ट्रांसपोर्ट वेजाइना में हो जाता है और डायरेक्टली स्पर्म ट्रांसपोर्ट इन यूटेरस, तो यूटेरस में ट्रांसफर हो जाता है। इस पेनिस का जो टॉप पार्ट होता है, टिप पार्ट ऑफ पेनिस, उसको क्या बोलते हैं, टिप पार्ट ऑफ पेनिस जो है उसको बोलते हैं ग्लांस पेनिस। ग्लांस पेनिस की जो आउटर लेयर होती है, आउटर लेयर ऑफ ग्लांस पेनिस इज नाउ इज कोरोना, इसको हम बोलते हैं कोरोना, ठीक है। तो ग्लांस पेनिस की जो आउटर लेयर होती है उसको बोलेंगे कोरोना। ग्लांस पेनिस जो है वो कवर्ड बाय फोल्ड स्मूथ स्किन, स्मूथ फोल्डेड स्मूथ स्किन से क्या होता है, कवर्ड होता है, और उस स्किन को क्या बोलते हैं, उस स्किन को बोलते हैं परप्यूस और फोर स्किन, उसको बोलते हैं परप्यूस और फोर स्किन का नाम दिया जाता है। तो
ये जनरल करेक्टर है, एक्सटर्नल करेक्टर है ऑफ पेनिस के। तो जो टिप पार्ट होता है पेनिस का उसको बोलते हैं ग्लांस पेनिस। ग्लांस पेनिस की जो आउटर लेयर होते हैं, आउटर मार्जिन ऑफ ग्लांस पेनिस, आउटर मार्जिन, इसको आउटर लेयर ना बोल करके लिख सकते हैं आउटर मार्जिन। आउटर जो किनारे होते हैं मार्जिन, आउटर मार्जिन को क्या बोलते हैं, कोरोना कहते हैं। और ग्लांस पेनिस कवर्ड बाय फोल्डेड स्मूथ स्किन, दिस स्किन नाउन इज प्रीप्यूस और फॉर स्किन, इसको प्रीप्यूस और फॉर स्किन कहा जाता है। अब देखते हैं कि ग्लांस पेनिस जो है वो क्या होता है, ग्लांस पेनिस की इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होती है। तो देखिए ग्लांस पेनिस, देखिए डियर स्टूडेंट, ग्लांस पेनिस, डीएस ऑफ ग्लांस पेनिस, ग्लांस पेनिस कंसिस्ट बाय थ्री longitudinal cords, यह तीन longitudinal cords से मिलकर के बना होता है। outer layer जो होती है उसकी outer layer उसको बोलते हैं epidermis। outer layer से नीचे beneath layer of epidermis is known as dermis। epidermis के नीचे कौन सा layer, dermis। और डर्मिस की अंदर की तरफ तीन लॉन्गिट्यूडिनल कॉर्ड्स होते हैं जो किसके बने होते हैं, इरेक्टाइल टिश्यू के बने, इरेक्टाइल टिश्यू, इरेक्टाइल टिश्यू से बने होते हैं। इन तीन में से जो दो कॉर्ड होते हैं वो टू कॉर्ड्स उसकी लोकेशन कहां होती है, वो होता है डोर्सो वेंट्रा या डोर्सो लेटरल, इसको बोलते हैं डोर्सो लेटरल। डोर्सल साइड में और लेटरल साइड के अंदर, डोर्सो लेटरल साइड के अंदर दो लॉन्गिट्यूडनल कॉर्ड्स होते हैं, उन कॉर्ड्स को बोलते हैं कॉर्पोरा केवर्नोसा, उनको क्या बोलते हैं, कॉर्पोरा केवर्नोसा। ये दोनों कॉर्ड हैं उनको बोलते हैं कॉर्पोरा केवर्नोसा। कॉर्पोरा केवर्नोसा की जो आउटर लेयर है उसको बोलते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ओके, ट्यूनिका एल्बुजिनिया। नेक्स्ट जो थर्ड कॉर्ड होता है उस थर्ड कॉर्ड को बोलते हैं कॉर्पस स्पॉन्जियोसम, कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। कॉर्पस स्पॉन्जियोसम की जो लोकेशन होती है वो वेंट्रल साइड में होती है। इसका लोकेशन कहां होता है, इसका लोकेशन होता है वेंट्रल यानी नीचे की तरफ, वेंट्रल साइड में, एंड सराउंड्स टू, एंड सराउंड्स टू यूरिथ्रा पोर। यूरिथ्रा पोर को ये चारों तरफ से क्या होता है, घेरे हुए रखता है। तो देखिए ये यूरिथ्रा पोर है और यूरिथ्रा पोर के चारों तरफ क्या है, कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। अब ये कॉर्पस कॉर्पोरा केवर्नोसा और कॉर्पस स्पॉन्जियोसम, ये जो लॉन्गिट्यूडनल कॉर्ड्स हैं, लॉन्गिट्यूडनल कॉर्ड्स आर हेल्पफुल इन इरेक्टाइल ऑफ पेनिस ड्यूरिंग इंटरसेक्स। इंटरसेक्स के दौरान ये पेनिस को इरेक्ट करने में हेल्पफुल होते हैं। कैसे होते हैं आप देखते हैं, इन जनरल कंडीशन में, जनरल कंडीशन, तो जनरल कंडीशन में क्या होता है, जनरल कंडीशन में कॉर्पोरा केवर्नोसा के जो इरेक्टाइल टिश्यू है, इरेक्टाइल टिश्यू, इरेक्टाइल टिश्यू ऑफ कॉर्पोरा केवर्नोसा डू नॉट फिल्ड बाय ब्लड। इसमें ब्लड जो है वो भरा हुआ नहीं होता है। जब ब्लड भरा हुआ नहीं होता है तो ऐसी कंडीशन के अंदर पेनिस, पेनिस बिकेम सॉफ्ट एंड स्मॉल एंड लूज। तो उस कंडीशन में पेनिस क्या होता है, सॉफ्ट होता है, स्मॉल होता है और लूज हो जाता है।
तो जब सामान्य कंडीशन होती है तो ये जो कॉर्पोरा के जो ये ब्लॉक्स हैं, इन ब्लॉक्स के अंदर ब्लड जो है वो भरा हुआ नहीं होता है। जब ब्लड नहीं भरा हुआ होगा तो ऐसी कंडीशन में पेनिस जो है वो इरेक्ट नहीं होगा। कैसा होगा? सॉफ्ट होगा, स्मॉल होगा और लूज होगा। लेकिन जब ड्यूरिंग इंटरसेक्स, जब सेक्स के दौरान क्या होता है, इंटरसेक्स जब होता है मेल एंड फीमेल का, तो सेक्सुअल कंडीशन में इंटरसेक्स के दौरान क्या होगा, इरेक्टाइल जो टिश्यू है कॉर्पोरा केवर्नोसा के, इरेक्टाइल टिश्यू फिल्ड विद ब्लड एंड पेनिस बिकेम इरेक्ट एंड हार्ड। तो उस समय क्या हो जाता है, पेनिस इरेक्ट हो जाता है और हार्ड हो जाता है एंड इजीली ट्रांसमिट ऑफ स्पर्म इन यूटेरस थ्रू वेजाइना। तो वेजाइना के थ्रू जो है यूटेरस के अंदर इजीली ट्रांसमिट कर दिए जाते हैं स्पर्म को। तो ये सभी कंडीशन जो है इस कॉर्पोरा केवर्नोसा के द्वारा ही होता है। तो कॉर्पोरा केवर्नोसा आपने समझा कि यहाँ पर जो ग्लांस पेनिस है वो तीन लॉन्गिट्यूडनल कॉर्ड से बने होते हैं। ये कॉर्ड्स किसके बने होंगे, इरेक्टाइल टिश्यू के बने होंगे। दो कॉर्ड जो है वो डोर्सो वेंट्रल साइड पर होता है जिनको कॉर्पोरा केवर्नोसा कहते हैं। तीसरा जो कॉर्ड है वो वेंट्रल साइड में होता है और यूरेथ्रा पोर को चारों तरफ से घेरे हुए रहता है। इसको बोलते हैं कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। इसके फंक्शन क्या है, जब ये जनरल कंडीशन होती है तो जनरल कंडीशन में केवर्नोसा के इरेक्टाइल टिश्यू में ब्लड जो है वो भरा हुआ नहीं होता है। ऐसी कंडीशन में पेनिस जो है वो सॉफ्ट होता है और लूज होता है। लेकिन इंटरसेक्स के समय क्या होगा, इरेक्टाइल टिश्यू फिल्ड विद ब्लड से भर जाता है और पेनिस बिकेम इरेक्ट एंड हार्ड, सो इजीली ट्रांसमिट ऑफ स्पर्म इन यूटेरस थ्रू वेजाइना। ठीक है, अब इस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो फोर्थ पार्ट है वो है सेक्सुअल एसेसरी ग्लैंड्स, वो देखते हैं। फोर्थ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फोर्थ पार्ट है सेक्स एसेसरी ग्लैंड्स। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हैव थ्री टाइप ग्लैंड्स। फर्स्ट इज सेमिनल वेसाइकल, सेकेंड इज प्रोस्टेट ग्लैंड एंड थर्ड इज ब्लबो यूरिथ्रल ग्लैंड। ओके, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट बाई या हैव थ्री टाइप ऑफ एसेसरी ग्लैंड। फर्स्ट इज सेमिनल वेसाइकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड ब्लबो यूरिथ्रल। These glands secrete product which mix with sperm. Sperm के साथ में mix होता है and then mixer noun is सीमेन। ठीक है, सीमेन किसे कहेंगे? द सेक्रेटरी प्रोडक्ट ऑफ एसेसरी ग्लैंड मिक्स विद स्पर्म, दिस मिक्सर इज नाउन इज सीमेन। तो इन तीनों ग्लैंड से जो भी सेक्रेटरी प्रोडक्ट रिलीज होगा वो प्रोडक्ट जब स्पर्म के साथ में मिक्स हो जाएगा तो जो मिक्सर बनेगा उस मिक्सर को बोलेंगे सीमेन। अब इस सीमेन के जो कॉन्स्टिट्यूट पार्ट्स होते हैं वो दो तीनों जो ग्लैंड्स हैं वो अपने अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट्स हैं, अपने अपने कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट्स जो है वो डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हम सेमिनल वेसाइकल को देखते हैं। तो सेमिनल वेसाइकल जो है वो कौन कौन से प्रोडक्ट को रिलीज करती है, तो सेमिनल वेसाइकल इज कॉन्ट्रीब्यूट
60 to 75% रेशियो ऑफ ए सीमेन। सीमेन का 60 से 75% भाग जो है वो कौन बनाती है? सेमिनल वेसाइकल बनाती है। सेमिनल वेसाइकल के अंदर जो सिक्रेशन होता है, सिक्रेटरी प्रोडक्ट है, सिक्रेटरी प्रोडक्ट कंटेंस क्या क्या पाया जाता है? उसमें प्रोटीन पाई जाती है, फ्रक्टोज पाया जाता है, एंजाइम पाए जाते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन्स पाए जाते हैं और फॉस्फोराइल कोलीन एक्सेट्रा कंपोनेंट्स जो है वो मिल करके सेमिनल वेसाइकल का सेक्रेटरी प्रोडक्ट बनाते हैं। इसमें जो फ्रक्टोज शुगर होती है वो फ्रक्टोज शुगर क्या करती है? ये एनर्जी प्रोवाइड कराती है, प्रोवाइड एनर्जी टू स्पर्म फॉर मोबिलिटी। तो मोबिलिटी के लिए यह स्पर्म को क्या करवाती है? एनर्जी प्रोवाइड कराती है। तो सेमिनल वेसाइकल जो है उसका योगदान आपने देखा कि सीमेन बनाने में 60 से 75% भाग जो है वो सेमिनल वेसाइकल बनाती है। इसके सिक्रेटरी प्रोडक्ट में प्रोटीन, फ्रक्टोज, एंजाइम, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, फॉस्फोराइल कोलीन होता है। फ्रक्टोज शुगर जो है वो स्पर्म की मोबिलिटी के लिए एनर्जी प्रोवाइड कराता है। अब देखिए जो सेकेंड जो है प्रोस्टेट ग्लैंड, तो प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करती है? प्रोस्टेट ग्लैंड का जो सिक्रेटरी प्रोडक्ट होता है वो स्लाइटली एल्कलाइन होता है और व्हाइट कलर का। तो प्रोस्टेट ग्लैंड सिक्रेट स्लाइटली एल्कलाइन एंड व्हाइटी मिल्की प्रोडक्ट, जो व्हाइट मिल्की प्रोडक्ट सिक्रेट होता है वो प्रोस्टेट ग्लैंड से होता है और उसका पीएच नेचर कैसा होता है? स्लाइटली एल्कलाइन होता है। अब इसका क्या योगदान होता है? तो प्रोस्टेट ग्लैंड हेल्प्स इन सर्वाइवेबिलिटी ऑफ स्पर्म इन एसिडिक मीडियम ऑफ वेजाइना। तो वेजाइना का जो मीडियम होता है वो वेजाइना मीडियम कैसा होता है? वो मीडियम होता है एसिडिक। तो अगर प्रोस्टेट ग्लैंड से सिक्रेशन नहीं होगा तो स्पर्म जो है इस एसिडिक मीडियम के अंदर क्या हो जाते हैं? डेड हो जाते हैं। इसलिए एसिडिक मीडियम को न्यूट्रलाइज करने के लिए प्रोस्टेट ग्लैंड से जो सिक्रेटरी प्रोडक्ट होता है वो स्लाइटली एल्कलाइन होता है जो एसिडिक को न्यूट्रलाइज करता है। इसलिए स्पर्म की सर्वाइवेबिलिटी को कौन प्ले करेगा? वो करेगा प्रोस्टेट ग्लैंड। तीसरा ग्लैंड जो है वो है ब्लब्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। ब्लब्बो यूरिथ्रल ग्लैंड जो है ये भी क्या करती है? यह एल्कलाइन नेचर का प्रोडक्ट सिक्रेट करती है। और इस एल्कलाइन प्रोडक्ट का क्या कैसा रोल होता है? इसका रोल ये होता है, ये भी क्या करता है? न्यूट्रलाइज पीएच इन एसिडिक, न्यूट्रलाइज एसिडिक पीएच इन यूरिथ्रा। ये क्या करता है? जो मेन का जो यूरिथ्रा भाग है, यूरिथ्रा डक्ट है, उस यूरिथ्रा डक्ट की एसिडिक पीएच को क्या कर देता है? न्यूट्रल कर देता है। तो दोनों ही, एक प्रोस्टेट होती है वो वेजाइना की एसिडिक पीएच को न्यूट्रल करती है और जो ब्लब्बो यूरिथ्रल ग्लैंड है वो मेन की जो यूरेथ्रा डक्ट है उसकी पीएच को न्यूट्रलाइज करती है। ओके स्टूडेंट, गुड बाय।